का जो ज़माना है जो चल रहा है OTT का, इसमें कंटेंट इम्पॉर्टेंट है. कंटेंट ओरिएंटेड सिनेमा शुरू हो गया है जो कि बहुत ही अच्छा है एक्टर्स के लिए भी और ऑडियंस भी बड़ी बदल रही है. अब नेचुरली वो स्टार ओरिएंटेड सिनेमाज नहीं है, अब कंटेंट ओरिएंटेड सिनेमा जो पसंद है तो सब सब अच्छा है. फोर स्टार्स देना चाहिए सर फिल्म को देख के. जैसे कास्टिंग इसमें बिल्कुल रियल है और लोकेशंस रियल है. जो रिचुअल्स हैं, जो रिचुअल ठेठ गाँव के होते हैं, बहुत ही रियल है. और ह्यूमर भी बड़ा बड़ा अच्छा ह्यूमर जो क्रिएट किया है सुहागरात के सीन में, या चाय की दुकान पर ह्यूमर, या वो जो शादी कराने वाले आते हैं वो वाले जो अंकल हैं मामा जिनको बोलते हैं, वो सब बड़े बहुत रियलिस्टिक हमारे गांव के ऐसे कैरेक्टर होते हैं. बाकायदा इसी तरह के लोग होते हैं. इस तरह की फिल्में लगता है बननी बंद हो गई आज की डेट में. अगर नहीं बल्कि अभी तो दौर शुरू हुआ है ऐसी फिल्मों का. OTT वगैरह पे जो भी काम हो रहा है वो इसी तरह के सिनेमा का हो रहा है अभी. और लोग इसके दर्शक जुट रहे हैं धीरे धीरे. एक टाइम था जब इसको पैरेलल सिनेमा का नाम दिया जाता था, आर्ट सिनेमा का. अब सब मिक्स हो गया है जो कि बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है. इसमें डायरेक्टर की अगर बात करें तो किस तरह? बहुत ब्रिलियंट डायरेक्शन है, जो बहुत अच्छा काम करता है डायरेक्टर ने बहुत अच्छा. खासकर वो जो जब उसकी शादी होती है और वो नाव में जो सीन है वो बहुत ही ब्रिलियंटली कंसीव्ड किया है. लास्टली प्यारी ने कैसा काम किया है, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा काम किया प्यारी ने, बहुत ही रियलिस्टिक, बहुत अच्छा. थैंक यू. हाँ जी, कैसी फिल्म लगी आपको? अच्छी है, बड़ी सेंसिटिव फिल्म है और कलाकार, सभी कलाकारों ने बड़ा अच्छा काम किया है और एक स्टोरी पर बेस है. अच्छी फिल्म है. काम डायरेक्टर का कैसा लगा? डायरेक्टर का काम बहुत अच्छा है, एक्टिंग भी बहुत अच्छी की है उन्होंने, डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है, एक बड़ा रियलिस्टिक फील है. कास्टिंग? जी, कास्टिंग जो की है इस फिल्म की, कास्टिंग बड़ी रियलिस्टिक है. सारे जो एक्टर्स हैं बड़े अच्छे रियल लग रहे हैं, लग नहीं रहा कि कलाकार हैं, लग रहा है कि रियल कैरेक्टर्स ही हैं गाँव के. सर कैसी लगी ये प्यारी फिल्म आपको? अच्छी पिक्चर है. लास्ट में थोड़ा इमोशनल सीन है तो फिर उसकी ऐसे खुल के तारीफ नहीं कर सकते. मैंने भी वो लास्ट में पढ़ा ना कि शायद उसको फांसी हो गई जिससे जिसके हाथों मतलब उनको लगा, थोड़ा इमोशनल सीन. बाकी मूवी सुपर्ब.